डेस्टिनेशन वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़े कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में बस अड्डे के पास मौजूद अन्नपूर्णा भोजनालय के मालिक अमित गुप्ता को बदमाशों ने गोली मारकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। फिलहाल घायल अमित को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। सुल्तानपुर में अमित गुप्ता के साथ हुई संगीन वारदात के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए 3 टीमें गठित की हैं, साथ ही जल्द से जल्द खुलासे का भरोसा भी दिया। अमेठी के सुंदरपुर गाँव में एक महिला की थ्रेसर के शाफ्ट में फंसने से मौत हो गई। आपको बता दें, ट्रैक्टर से गेहूं की मढ़ाई चल रही थी और तभी ये हादसा हो गया। अमेठी में थाना मुसाफिर खाना पुलिस ने पिस्टल के साथ लकी यादव और शुभम यादव नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक इन दोनों पर हत्या का आरोप है। अमेठी में भादर ब्लॉक के ग्राम सभा दहियावा में आग लगने से 2 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। प्रतापगढ़ में थाना फतनपुर के गांव सिंधौली में एक दबंग ने दलित शख्स को पीट दिया, जिस पर मजदूर नेता हेमंत नंदन ओझा ने पीड़ित के साथ FIR दर्ज कराते हुए जल्द कार्यवाही की मांग की है। लखीमपुर खीरी में हिस्ट्री शीटर भरत प्रसाद ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें, आरोपी पर डकैती सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर के थाना भोट पुलिस ने फरीद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी के पास से 1 तमंचा और 10 पत्ते नशीली गोलियां बरामद की गई। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा के शिवलोक कॉलोनी में एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति ने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।